नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम एस्ट्रोमित्रम में फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं 27 दिसंबर 2018 के पंचांग की स्थिति। जब हम आज की पंचांग की 27 दिसंबर की पंचांग की स्थिति देखेंगे तो आज जो तिथि है पंचमी और षष्ठमी आधे आधे दिन तक है, यानी सुबह से पंचमी रहेगी और उसके बाद फिर षष्ठमी शुरू हो जाएगी। नक्षत्र जो है मघा रहेगा, करण जो है तेतिल और गर रहेगा, पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष रहेगा, योग जो है वो प्रीति रहेगी और वार जो है गुरुवार है। सूर्योदय 6:59 पर स्टार्ट होंगे और सूर्यास्त जो है 17:42 पर रहेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेंगे और इसके बाद जो ऋतु है वो शिशिर ऋतु रहेगी। दिनकाल 10:42-43 रहेगा। विक्रम संवत 2075, राहुकाल 13:41-36 से लेकर के 15:157 तक रहेगा और दिशाशूल रहेगी दक्षिण। मित्रों, ये थी आज के पंचांग की स्थिति। आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के संबंध में। 12 राशियों की हम जब बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात करेंगे आज की मेष राशि वालों की स्थिति। मेष राशि वालों की स्थिति का जब हम महत्वपूर्ण मूल्यांकन करेंगे तो आज संतान की शिक्षा को लेकर के काफ़ी परेशानियां रहेंगी। संतान की शिक्षा को लेकर के चिंतन मनन चलता रहेगा। संतान की शिक्षा को लेकर के आप दूसरों से डिस्कशन करेंगे, यानी आज अपने संतान को लेकर के आप कहीं ना कहीं मन में संशय बना हुआ है। आप दूसरों को देख करके अपने बच्चों की भी प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। इस विषय में थोड़ा सा आज अपना दिमाग टोटल इसी विषय पर रहेगा तो निश्चित रूप से जब आप व्यक्ति चिंतन मनन करता है तो उस विषय को प्रोग्रेस होती है। जरा सी सोच, जरा सा गाइडलाइन हमारी ज़िंदगी को बदल जाता है। तो संतान को लेकर के आपने आज बड़ी जो निराशा बनी हुई है, आज आप अपने डिस्कस करके उसको सही गाइडलाइन देने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए आज निश्चित रूप से आज का दिन इसी में लगेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको सबसे पहले 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। मित्रों, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे तीसरा नेत्र जागृत होता है। जब तीसरा नेत्र जागृत होता है तो हम अपना अंतर मन अंतर चिंतन मन से खोज करते हैं क्या गलत और क्या सही। इसी के आधार पर, हमारा चिंतन मनन के आधार पर निश्चित रूप से प्रगति होगी। आज का दिन मंगलमय हो। आइए बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो चौथा घर से आज यानी चतुर्थ स्थान माँ का होता है, चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का होता है। कहीं ना कहीं आज प्रॉपर्टी को लेकर के आप सोच रहे हैं कि मुझे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, मुझे हवादार मकान बनाना है। कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लेन देन होने वाला है, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप चाह रहे हैं वो आपको अभी मिल नहीं पा रही, क्योंकि आप स्टेटस की जगह चाहते हो, किसी बड़ी प्रोफाइल में जगह चाहते हो, किसी बड़ी स्टेटस वाली जगह में चाहते हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले 3 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के प्रबल योग बनते हैं, इसलिए चिंता नहीं करें, लगे रहें। निश्चित रूप से आपको अच्छे मौके पर प्रॉपर्टी मिलेगी। आज का दिन शुभ रहे। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज थोड़ा सा एग्रीमेंट को लेकर के डिस्कशन है। एग्रीमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। आज आप पराक्रम और जोश से उत्साह से भरे हुए, आपका जोश और आपका उत्साह आपकी मंजिल का तय करना दिखा रहा है, तो इसी जोश और उत्साह को बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करें? जोश के साथ होश का होना अत्यंत आवश्यक है। आपने अपने पराक्रम और जोश को आपने बना के रखा है, इसी के साथ थोड़े से बड़ों की सलाह लेके काम करेंगे तो आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको मंदिर के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको थोड़ा सा भोजन प्रसादी कराएंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज कर्क राशि वाले आज भी थोड़े से कन्फ्यूजन में बने हुए हैं, असमंजस्यता बने हुए हैं। धन को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, धन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है, किससे लें किससे न लें, असमंजस्यता की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत से काम लें, थोड़े से अपने खर्चों की कमी करें, थोड़ा सा अपनी इनकम आउटकमिंग को थोड़ा सा ध्यान से सोचें कहाँ गलती हो रही। थोड़ा सा मित्रों यदि अपने खर्च को बचाएंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या
करना चाहिए, आज आपको माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ की दुआएं लेना चाहिए, माँ से डिस्कस करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद मित्रों जीवन में बहुत प्रगति करता है, तो बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। क्या करना चाहिए, आज हमें थोड़ा सा दूध लेकर के यदि भिखारियों को बांट देंगे तो निश्चित रूप से मन स्थिति ठीक होगी, आज का दिन शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लग्न में आज चंद्रमा बैठ करके आपकी मन स्थिति में आपके विभिन्न तरह के विचार दे रहा है। आप अपना स्टेटस बनाने के लिए थोड़े से प्रयास रहते हैं, अपने स्टेटस को मेंटेनेंस करने के लिए थोड़े से प्रयास रहते हैं, तो आप अपनी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसके लिए आप चारों तरफ से दिमाग घुमा रहे हैं। हो सकता है किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली हो, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला हो, समाज में आपकी स्थिति में सुधार आने वाला है, तो इसके लिए आपका अपना चिंतन मनन बिल्कुल सही चल रहा है। आप अपने प्रयास जारी रखें, आज का दिन शुभ रहेगा। क्या करना चाहिए, आज आपको यदि अंकों पर विश्वास करते हैं तो आज आपके लिए 5 अंक अति शुभ रहेगा। यदि रंगों पर विश्वास करते हैं तो लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। यदि अल्फाबेट पर विश्वास करते हैं तो जे नाम के व्यक्ति से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, आज का दिन आपके लिए शुभ है। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज का दिन थोड़ा सा आप अपने आप को विदेश जाने के लिए अपने दिमाग में प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन आपके बजट के अनुरूप थोड़ा सा देश मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है आप किसी विदेशी प्रोग्राम या विदेश में जाने के लिए आपकी व्यवस्था हो जाए तो आपके विदेश के प्रबल योग बने हुए हैं, आप निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य को लेकर जाएं, घूमने के साथ साथ थोड़ा सा व्यापार को लेकर के जाएं, व्यापारिक स्थिति को लेकर जाएंगे तो आपका आना जाना सफल हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में लंबे समय तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति दिमाग में चल रही है। यदि आप व्यापारिक अनुबंध भी यदि वहाँ जा कर के सोच समझ के यदि खोजते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो तुला राशि वालों का लग्न में शुक्र बैठ करके सेकंड हाउस में गुरु और बुध बैठ करके आपको वाणी में मधुरता दे रहा है। यानी क्या हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी की व्यवस्था को सिस्टमेटिक और व्यवस्थित करने के लिए लालायित हैं, आप अपनी वाणी को संयमित करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लालायित हैं, आप अपनी कमियों को सुधार करके एक नई ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयारी से बैठे हैं। मित्रों जो अपनी भूल सुधारता है, जो अपनी गलतियों को सुधारता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। आज का चिंतन मनन आपका इसी दिन का आज का दिन है, जो आपको अपनी कमियों को दूर करके आप अपने आप को श्रेष्ठता की मूल्यांकन करके आपको अपने आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। मित्रों जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है निश्चित रूप से ईश्वर उसके साथ होता है और उनकी निश्चित रूप से प्रगति होगी, आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि वाले आज गुरु और बुध लग्न में बैठ करके अंडरग्राउंड रिसर्च की बात करते हैं कि आप अपने रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रिसर्च में काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको किसी को पता न पड़े, लेकिन अंडरग्राउंड काम करना चाहते हैं आपको, कि आपको लगता है कि लोगों की नज़र लगती है, इस वजह से आप चुपचाप होकर के अपने अंडरग्राउंड किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी न किसी स्थिति में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा जानकारी का अभाव हो रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सा लोगों से चुपचाप दूर जा कर के लोगों से संपर्क करेंगे, इसी से आपको फायदा होगा, आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। क्या करना चाहिए, आपको अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों को गिफ्ट प्रदान करना चाहिए, जिससे आपकी मन स्थिति सुधरेगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। आइए हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो लग्न में सूर्य और शनि विराजमान होकर के आपको संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको प्रैक्टिकल होने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको अपनी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रेरित कर रहा है, आप अपनी सोच को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि आपकी जो पुरानी सोच है उसमें बहुत सारा अपडेट होना है, बहुत सारी अपडेशन सिस्टम चल रहा है, तो आपने पहले से अपने आप में काफ़ी सुधारा है, अभी और आपको अपने आप को सुधारना है और आपको परिवर्तन करना है। मित्रों समय के साथ जो व्यक्ति बदल जाता है समय उसका साथ देता है, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदल जाता परिस्थितियां उसको डुबा जाती हैं, इसलिए अपने आप को अपने अपडेट का जो सोचा है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, अपने आप में परिवर्तन करने के लिए सोचा है, यही आपकी एक आज की महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेगी, आज के दिन आपके लिए शुभ रहे। क्या करना चाहिए, आज तुलसी को जल तुलसी पत्र का सेवन करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं, जिससे आपकी मन स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, आज के दिन आपके लिए शुभ रहे।
मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो मकर राशि वालों के आज भी लग्न में बैठ करके केतु आपको क्विक डिसीजन दे रहा है। कहीं ना कहीं आप एंड डाउंस किए हुए, कहीं ना कहीं विचारों में उतार चढ़ाव लगातार किए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको आज क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, हो सकता है क्योंकि कन्फ्यूजन बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें परेशानियाँ चल रही हैं, खर्च की अधिकता है, महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को व्यवस्थित और सिस्टमेटिक करने के लिए कुछ ना कुछ आपके मन में प्लानिंग चल रही है लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। गाय कुत्ते को रोटी खेलने की, रोटी निश्चित रूप से देंगे तो आपकी गाय और कुत्ते की रोटी आपकी भाग्य को बदलना शुरू कर देगी। साथ ही साथ थोड़ा सा वायु तत्व ठीक करना पड़ा है, वायु तत्व दूरदर्शिता होती है मित्रों, तो दूरदर्शिता के लिए आपको पक्षियों को नित्य प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल देंगे तो आज का दिन आपके लिए अति शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो ज्ञान का सागर है, ऐसे लोग महाज्ञानी होते हैं। आज मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठ करके आपकी वाणी को नियमित और संयमित कर रहा है, कहीं ना कहीं धन की आवक जावक की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं धन के आवागमन की बात कर रहा है लेकिन धन आते आते रुक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा ईश्वर को याद करें, ईश्वर से प्रार्थना करें क्योंकि इस धन के आने से आपकी काफ़ी स्थिति में सुधार होगा। साथ ही साथ पिता से अपने संबंधों का मधुर बनाए, पिता से कहीं ना कहीं पिता से इस व्यापारिक सलाह लेंगे तो आज का दिन निश्चित रूप से शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों की जब हम बात करेंगे तो आज मीन राशि वाले थोड़ा सा मन थोड़ा सा दुखी है क्योंकि मन के अनुरूप उनके काम नहीं हो पा रहे, मन के अनुरूप भावनाओं के अनुरूप उनके काम नहीं हो पा रहे। मित्रों 12 दिन 24 घंटे एक जैसे 24 घंटे हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा 12 महीने एक जैसे नहीं रहते। समय के साथ हर ऋतु बदलती है, हर मौसम बदलता है, हर वातावरण बदलता है, तो आज का दिन थोड़ा वातावरण आपका मिला जुला है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उस वातावरण के अनुरूप यदि ढाल लेंगे तो निश्चित रूप से आज का दिन शुभ जाएगा। मित्रों ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी समस्या है तो हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।